इससे पहले वाला चैप्टर आपने पढ़ा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो इसको समझने में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां आपने क्राइम पढ़ लिए और उनका प्रोसीजर ही पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया तो पुलिस कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती थी, कब विद वारंट अरेस्ट कर सकती थी, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या एक्शन ले सकता था, कोर्ट की हायरार्की आपने पढ़ ली, उसके बाद सम्मन इशू किया जाएगा या वारंट इशू किया जाएगा, सर्च वारंट क्या था, ये सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए और यही टॉपिक दोबारा से रिपीट किए गए हैं इस चैप्टर में। सेम टॉपिक है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, वहां पे क्राइम था और यहाँ पे सिविल है। सिविल का मतलब बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने, और ए ने परफॉर्म नहीं किया तो बी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है कि ए के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ए ने क्या नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं करी। ए ने क्या नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं करी, तो मुझे क्या कराओ, मुझे या तो परफॉर्मेंस करा के दो या फिर मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। ये दो चीजें थी, सिंपल सा टॉपिक है। अब वो कह रहे कि देखो क्राइम में पुलिस को कहीं से कंप्लेंट मिल गई थी तो उसने उसके बेसिस पे क्या स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन। अब मान लो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्या पुलिस को सपने आएंगे या पुलिस को कोई फोन करके ये कह सकता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था, परफॉर्म नहीं कर रहे, पॉसिबल है क्या कि भाई मेरे भी आप पे कोई और जाके कि भाई ए और बी के बीच में झगड़ा चल रहा है सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है और ए ने धरना दे दिया बी के गेट के बाहर कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जा रहा, क्या इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पुलिस को ऐसे ही मिल जाएगी, क्या पुलिस एक्शन ले लेगी इस बेसिस पे कि भाई हाँ तू उसके घर के बाहर क्यों खड़ा है या ये सब चीज़ें हैं। जब तक सामने वाला कुछ करेगा नहीं तब तक कोई एक्शन नहीं बनता। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें सीखनी है कि वहाँ जो आप कह रहे थे कि पुलिस बिना इन्वेस्टिगेट बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, कोई प्राइवेट पर्सन डिटेन करके रख सकता है, और वहां पर आपने कोर्ट पढ़े थे और कोर्ट में क्या था, सजा थी और सजा के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, या तो राइट लाइबिलिटीज डिसाइड है। अब जैसे हमने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं, या तो परफॉर्मेंस करा के दो या फिर कंपनसेशन दिलाओ। क्या यहाँ कोई फाइन पेनल्टीज है, नहीं है, यहाँ कंपनसेशन है, कोई फाइन नहीं है, यहाँ फाइन नहीं है कंपनसेशन। और कंपनसेशन का डिसाइड किया जा सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो तो 10,000 रुपये ही फाइन होगा या 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, इस तरह से डिसाइड किया जा सकता है, नहीं डिसाइड किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे जो कोर्ट है ना वो सिर्फ तीन है। एक आपका स्मॉल कोजीज वाला कोर्ट है, मतलब जहाँ छोटे छोटे झगड़े हो जाएं तो आप सबसे पहले उस कोर्ट में जाओ, छोटे से कोर्ट में, छोटा कोर्ट है मतलब जहाँ पे सिंगल जज वगैरह बैठा होगा और वो आपके केस की सुनवाई कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो मैटर को डिसाइड करेगा और मैटर की सुनवाई करने के बाद क्या कर देगा, डिसीजन आपको दे देगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी चीज में आ जाए, क्राइम में आ जाए, तो क्राइम में था ना कि चाहे आपने क्राइम किसी सरकमस्टांस में किया हो लेकिन क्राइम की एक सजा है। वो ऑलरेडी पता है कि अगर मर्डर किया है, वो तो बाद की बात है ना कि मर्डर किस सरकमस्टांस में हुआ था, लॉ में लिखा है कि अगर मर्डर किया है तो क्या होगा, फांसी की सजा है या उम्र कैद है, कंफर्म है ना ये चीजें। तो अब वो तो बाद में जब हियरिंग होती है तब जाके डिसाइड होता है कि आपको 7 साल की सजा देंगे, 10 साल की देंगे, उम्र कैद देंगे या फिर फांसी की सजा देंगे। लेकिन यहां डिसाइड किया जा सकता है कि ए ने कहा बी ने ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ही तो है, कोई क्राइम थोड़ा किया है या किसी का मर्डर थोड़ा किया है जो आप मुझे पकड़ के ले जाओगे, तो यहां पे वारंट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या अरेस्ट वारंट आपके अगेंस्ट में इशू कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो सम्मन भेज के आपको बुलाया जाएगा, उस तारीख पे नहीं आए तो फिर अगली तारीख, 2-3 तारीख ऐसे लगती रहेंगी। फाइनली फिर क्या हो जाएगा, एक्स पार्टे डिसीजन आ जाएगा, एक्स पार्टे डिसीजन आ जाएगा, एक पार्टी की बात सुन के डिसीजन आ जाएगा। ये तो नहीं कहेंगे कि मिस्टर बी को घर से उठा लाओ, कि मिस्टर बी को घर से उठा लाओ, हमने उसे बुलाया था वो आया नहीं, बोले सर क्राइम कौन सा है, बोले सिविल है, तो सिविल है तो उसके घर पे नोटिस भेज दो रिकवरी का कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म किया, सामने वाले ने 10 लाख रुपए आपसे कंपनसेशन मांगे थे, आपने तो कोर्ट में आना जरूरी नहीं समझा, अब 10 लाख रुपए पे कर दो, कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू कर दिया, तो उसकी फिर प्रॉपर्टी बेचे या कुछ बेचे वो पैसा रिकवर कर लेंगे। वो यही है ना यार, भाई अगर मान लो एक कंपनी पे केस है और कंपनी ने केस की सुनवाई नहीं कर रही है, कंपनी आपने सम्मन भेज दिया, कंपनी नहीं आई, कुछ भेज दिया, कंपनी आई नहीं, ना कंपनी के बिहाफ पे कोई आया, फाइनली आपने क्या किया, 10 लाख रुपए का एक ऑर्डर इशू किया और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया कि 10 दिन में या महीने में इसको पे कर दो, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टियां सीज करनी स्टार्ट कर देंगे और वहां से रिकवरी कर लेंगे। यहाँ कोई क्राइम तो नहीं हुआ ना,
इसीलिए यहाँ पे कोड जो है वो अलग अलग है। वहां आपने हायरार्की पढ़ी थी, हायरार्की में सिर्फ तीन कोड है, स्मॉल कॉजेज वाला कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड और डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधा हाई कोड। स्मॉल कॉजेज का कोड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद हाई कोर्ट, सिर्फ तीन कोर्ट यहां पर दिए गए हैं और कोर्ट भी नहीं दिए गए। इनके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां जाना है। अब यहां पे सजा दी नहीं गई, तो सजा नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि कौन से कोर्ट में जाना है। तो सेक्शन 15, अच्छा इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए डील करते हैं आपका, पार्ट ए मतलब वैसे सिंपल ही बता रहा हूं, वैसे तो मैंने अपने हिसाब से अलग पार्ट किए हुए हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक पार्ट में सेक्शंस लिखे और दूसरे पार्ट में ऑर्डर लिखे। सेक्शन में लिखा है कि कौन से कोर्ट में जाना है, किस तरीके से जाना है। ऑर्डर में लिखा है कि कैसे अपीयर होना है, सम्मन कैसे भेजा जाएगा, सामने वाला रिटर्न स्टेटमेंट, जब डिफेंडेंट अपना रिप्लाई करता है तो उसे रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, वो कैसे फाइल करेगा। ये सब चीजें कहाँ दी गई हैं, ऑर्डर्स में दी गई हैं। फिर हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कहाँ पे पढ़ चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम समरी ट्रायल पढ़ चुके हैं, हम स्पेशल कोड में समरी ट्रायल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से क्या एक समरी प्रोसीजर है यहाँ पे, कि स्पीडी डिस्पोजल कैसे करना है। अब क्राइम तो है नहीं कि जो सजा के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, तो किसके बेसिस पर होगा, फाइन कंपनसेशन के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि केस की सुनवाई कैसे करनी है। तो जैसे इंट्रोडक्शन तो वही है, इंट्रोडक्शन में तो वही आपकी लाइन लिखी गई है जैसे आपका वहां लिखा गया था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंसोलिडेट और अमेंड करके बनाया है। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड भी क्या है, कंसोलिडेट और अमेंड करके बनाया हुआ है पहले वाले लोग को। यही सेम चीज आपको फॉलो करनी है, इसीलिए चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 158 सेक्शंस हैं, लेकिन एक को आपको 158 नहीं पढ़ाए गए हैं, आपको कुछ 10-15 ही पढ़ाए गए। और उसके अलावा सेकंड पार्ट में क्या है, रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, जो शेड्यूल वन फॉर्म द सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट ये फॉर्म करते हैं। अब इसमें ना आप जब चैप्टर देखोगे तो चैप्टर में जैसे इंपोर्टेंस फॉर कंपनी सेक्रेटरी, ये सेम पैराग्राफ आपने वहां भी पढ़ा था कि प्रोसीजर, अब देखो वहां क्या लिखा था, सेक्रेटेरियल स्टाफ को बहुत कम लेना देना है किससे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से, लेकिन सिविल से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेली रूटीन में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करने और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो कोर्ट में जाना ही जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए सिविल प्रोसीजर कोड है क्या, किस तरह से नोटिस आएगा और किस तरह से उस नोटिस का रिप्लाई किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ तीन पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल कॉजेज वाले कोड जो सबसे नीचे होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड से ऊपर कौन सा है, हाई कोर्ट। तो तीन कोर्ट ही दिए गए हैं यहाँ पे, ज्यादा कोर्ट ही नहीं दिए गए हैं। कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर में, कुछ नहीं करना है, कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर, सिर्फ बेसिक समझो कि यहाँ पर क्या है, जैसे हमने उसका बेसिक समझा था। फिर ज्यूरिसडिक्शन दी गई है कोर्ट की, वेन्यू दिया गया है सूट्स का, वो कह रहे हैं कि सूट कहाँ पे फाइल करोगे, ये डिपेंड करता है चार बातों पर, सब्जेक्ट मैटर कैसा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर केस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर केस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। फिर कह रहे कि प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस पे भी डिपेंड करेगा, हांसी में किया, इशार में किया, भिवानी में किया है कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट की जगह कौन सी थी, जो जगह से ब्रीच हुआ है, ये तो होगा ना। मान लो एक कंपनी क्या है, तनिष्क है, या जो मान लो कोई भी कंपनी है, अब कंपनी का हेड ऑफिस तो होगा मुंबई में, और जो ब्रांच ऑफिस है अब उसके अगेंस्ट में केस फाइल करोगे या हेड ऑफिस के अगेंस्ट में केस फाइल करोगे, तो वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि जुरिसडिक्शन ओवर पर्सन, नेशनैलिटी के बेस पे भी डिपेंड करते हैं कि केस कहाँ फाइल करोगे। आप किसी फॉरेनर के अगेंस्ट में सिंपल कोर्ट में नहीं जा सकते, फॉरेनर के अगेंस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही फॉरेनर्स के पावर से डील करते हैं। फिर कह रहे हैं कि पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी, मनी के बेसिस पे भी डिपेंड करेगा कोर्ट, कि जैसे आप है ना सेकेंड पार्ट में पढ़ोगे, जब आप सेकेंड ग्रुप में पढ़ोगे EBCL, तो उसमें एक चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आती रहती है ना एड, जागो ग्राहक जागो और ये सब चीजें जो पहले आती थी, आजकल तो थोड़ी एड का तरीका भी इन्होंने बदल दिया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना तीन फोरम बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फोरम, स्टेट लेवल का फोरम और नेशनल लेवल का फोरम। डिस्ट्रिक्ट लेवल का फोरम में लिखा है कि अगर 10 लाख तक का केस है तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, 25 लाख तक का केस है तो स्टेट में जाएगा, और 25 लाख से ऊपर है तो नेशनल लेवल में जाएगा। अब यहां किसके बेसिस पे ये कोर्ट में जा रहे हैं, हम मनी के बेसिस पे, क्या हम 10 करोड़ वाले के लिए डिस्ट्रिक्ट वाले में जा सकते हैं, 10 करोड़ वाले के लिए सीधा किस में जाना पड़ेगा, नेशनल वाले में जाना पड़ेगा ना, तीन बताए हमने, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अब वो कह रहे कि ये पेक्यूनरी बेसिस पर है, मॉनेटरी बेसिस पे, आप कितना कंपनसेशन मांग रहे हो, जैसे वहां लिखा था ना कितनी सजा लो में ऑलरेडी लिखी हुई है, यहां क्या मांग रहे हैं हम, कंपनसेशन। तो कह रहे कि आप कितना कंपनसेशन मांग रहे हो, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा आप कौन से कोर्ट में जाने वाले हो, ठीक है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि जुरिसडिक्शन डिपेंड करती है कुछ और चीजों पे भी, जैसे आपका प्लेस ऑफ सुइंग दिया गया टेरिटरी बेसिस पे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले उस कोर्ट में जाना चाहिए जो लोएस्ट ग्रेड का है। तो सबसे नीचे क्या है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे स्मॉल कॉजेज वाला कोर्ट है। तो अगर आपका केस ऐसा है जिसकी सुनवाई करने के लिए स्मॉल कॉज कैपेबल है, स्मॉल कॉज वाला कोर्ट कैपेबल है, तो आपको सबसे पहले किस में जाना चाहिए, स्मॉल कॉज वाले में जाना चाहिए। दूसरा, इमोबल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। अगर मेरी इमोबल प्रॉपर्टी भिवानी में है तो मैं हिसार में केस नहीं कर सकता, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा जहां इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर मैं कह दूं कि मेरी इमोबल प्रॉपर्टी ऐसी है जो दो कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती है, वो हिसार में भी आ रही है और भिवानी में भी आ रही है, तो मैं कौन से कोर्ट के पास जाऊंगा? फिर मैं जिसके पास भी जाऊंगा वो ये लिख के देगा कि मेरे पास पावर है आपके केस की सुनवाई करने के लिए। अब कह रहे कि एक ऐसा कोर्ट है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मेरी इमोबल प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे है जहां कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि किसकी जुरिडिक्शन में आएगा, मतलब कोर्ट ही क्या हो गए, अनसर्टेन हो गए। फिर आपको कोर्ट की परमिशंस लेनी पड़ेंगी किसी एक जगह पे सुनवाई कराने के लिए। अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर केस है, या मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर केस है, मतलब पर्सन के अगेंस्ट में केस है, तो वो केस कहां फाइल किया जाएगा? तो वो केस कहते हैं कि जहां डिफेंडेंट रहता है। तो जिसकी गलती है वो जहां रहता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट बना था, जहां कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, ये सब जगह डिपेंड करेंगे कि आपको केस कहां पे फाइल करना है। तो ये सब चीजें, प्लेस ऑफ स्विंग उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ स्विंग के बाद आपको दी गई है डॉक्टर आइन, दो डॉक्टर आइन है, और दो ये हर पेपर में आ रही है, मतलब दोनों में से एक आ ही रहा है या डिफरेंस दोनों में से आ ही रहा है। पिछले चार अटेम्प्ट हुए हैं, चारों अटेम्प्ट में क्वेश्चन है, दो डॉक्टर आइन है, सिंपल सी, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो 8 से 12 नंबर का है, वेटेजेस की 8 से 12 मार्क्स की रहती है हमेशा, और 8 में से 4 नंबर का तो यही रहता है। दो डॉक्टर आइन है और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली डॉक्टर आइन है रेस सबजुडाइस। रेस सबजुडाइस क्या है, मान लो ए ने बी के ऊपर केस किया एक प्रॉपर्टी को लेके, अब बी ने उल्टा ए के ऊपर केस ठोक दिया, तो इस केस में ए क्या था, प्लेंटिफ, और बी क्या था, डिफेंडेंट। इस केस में बी क्या हो गया, प्लेंटिफ, और ए क्या है, डिफेंडेंट। अब वो कह रहे कि अगर पार्टी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, पार्टी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो जो पहला केस है उसकी सुनवाई जब तक नहीं हो जाती, दूसरा केस पे स्टे लगा दो। अब दो केस अगर साथ साथ सुनवाई करेंगे, मान लो दूसरे कोर्ट थोड़ा फास्ट है, दूसरे कोर्ट की में कम केसेस है और वो थोड़ा फास्ट सुनवाई कर रहा है, तो पहले किसका डिसीजन आ जाएगा, नीचे वाले का आ जाएगा। तो इस तरह से पहला वाला केस गलत हो गया, जिसमें ए कह रहा था कि यार मैं प्लेंटिफ हूं, केस किस जीता कौन वो बात की बात है, लेकिन दो केसेस अगर साथ में चल रहे हैं, दो केसेस अगर साथ में चल रहे हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है लेकिन कोर्ट डिफरेंट है, सेम पर्सन सेम सब्जेक्ट मैटर लेकिन कोर्ट इंडिया में डिफरेंट है और डिफरेंट टाइम पे फाइल किए गए, तो कह रहे कि जब सेकंड केस है ना, सेकंड केस पे लगा दो स्टे, जो सेकंड है उस पे क्या लगा दो, स्टे लगा दो। तो इसे क्या बोला गया, डॉक्टर आइन ऑफ फ्रेश सबजुडाइस, मतलब स्टे ऑफ सूट। स्टे किस पे लगाना है, सेकंड और सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे लगाना है। इसी के अपोजिट है डॉक्टर आइन रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या कहता है, जहां ए और बी के बीच में केस था और कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, अब बी ए पे अगर केस करने जाता है उस मैटर पे जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब यहां भी क्या, सेम पार्टीज सेम सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट कोर्ट, और एक केस ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। तो हमने कहा था ना कि अगर ये डिसीजन से पहले आएगा तो क्या लगा देंगे, स्टे। डिसीजन के बाद आएगा तो क्या कहेंगे, ऑलरेडी डिसाइडेड केस है ये डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या सुनवाई करना चाहते हो, विटनेस बदल जाएंगे, डॉक्यूमेंट बदल जाएंगे, कुछ नहीं बदल रहा है, सेम सब चीजें रह रही हैं, सिर्फ क्या बदल रहा है, पार्टीज का जगह बदल रही है, कि जो पार्टी डिफेंडेंट थी वो प्लेंटिव बनना चाह रही है, और जो प्लेंटिव थी वो क्या बन गई है, डिफेंडेंट बन गई है। इसके अलावा सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम विटनेस है, सेम डॉक्यूमेंट है, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे तो पहले वाले कोर्ट ने सुनवाई करी थी। तो पहले वाला कोर्ट जब डिसीजन दे चुका है तो दूसरे वाला कोर्ट अलग डिसीजन थोड़ा देगा, अगर विटनेस बदलते हैं, अगर डॉक्यूमेंट बदलते हैं, कुछ चीजें बदलती हैं, फिर तो बात है, लेकिन सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम डॉक्यूमेंट, सेम विटनेस, डिसीजन क्या आएगा, सेम ही आएगा। इससे कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो रहा है और पार्टी का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है सेम पार्टीज के बीच में, अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो दूसरा कोर्ट चाहे कोई भी हो वो क्या नहीं कर सकता, उस केस की सुनवाई नहीं कर सकता। वहां पर क्या लग जाती है, डॉक्टर आइन ऑफ रेस जुडिकाटा। कौन सी डॉक्टर आइन,
अपील करो, ये केस की बात कर रहा है, अपील की बात नहीं कर रहा है, ये सूट फाइल करने की बात कर रहा है, दो सूट की बात कर रहा है। मैंने कहीं अपील नहीं कहा है, मैंने सूट कहा है। ए ने बी के लिए केस फाइल किया और बी ने ए को, लॉ में इनको क्या कहते हैं, सूट कहते हैं, कि ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और बी ने ए के ऊपर सूट फाइल किया है, तो दो सूट की बात की है, अपील तो अलग राइट है आपके। हम तो कह रहे हैं ये पलट रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा, रेस जुडिकाटा। सेम टाइम पे दो केस चल रहे हैं तो दूसरे वाले पे स्टे, सेम टाइम पे दो केस चल रहे हैं, एक डिसाइडेड हो गया तो दूसरे को क्या कर देंगे, ऑलरेडी डिसाइडेड का उस पे ठप्पा लगा देंगे कि ये मैटर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। इनके बीच में डिफरेंस है, समझ तो आपको आ ही गया, एक सेक्शन 10 है, एक सेक्शन 11 है। एक में क्या कह रहा है, दो केस अगर सेम टाइम पे चल रहे हैं तो दूसरे पे स्टे लगा दो, दूसरा क्या कह रहा है, अगर एक केस ऑलरेडी डिसाइडेड है तो दूसरे को खत्म ही कर दो, ऑलरेडी डिसाइडेड का ठप्पा लगा दो। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आया है एक बार पेपर में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैसे आप डिफरेंस वो उससे क्या कहते हैं, नेट से ढूंढ के एक अच्छा सा डिफरेंस बना लेना, इस पे जगह इसीलिए दी गई है, एक अच्छा सा डिफरेंस ढूंढना और इस पे लगा लेना। अदरवाइज आपसे पिछले बैच के पास शायद NSZ वगैरह एक बुक थी जिसमें क्वेश्चन टाइप में दिया गया था, तो वहां से भी आप ढूंढ सकते हो। इसे पार्ट बी है ऑर्डर, देखो पहले पहले पार्ट में पढ़ा दिया आपको क्या सेक्शंस, अब पार्ट बी सी डी तीन पार्ट हो रहे हैं, तीनों पार्ट में क्या पढ़ाए हैं आपको, ऑर्डर्स पढ़ाए हैं। मैंने कहा है ना चैप्टर के ये पार्ट मैंने किए हैं, वहां चैप्टर का मतलब था जो CPC चैप्टर है, जो ओरिजिनल चैप्टर है उसकी बात की गई थी कि दो पार्ट में डिवाइड है। अब वो कह रहे हैं कि आप सूट फाइल करने जा रहे हो, जैसे आपको क्राइम हुआ था तो सबसे पहले क्या आई थी, कंप्लेंट आई थी, तो कंप्लेंट के बेसिस पे पुलिस ने क्या स्टार्ट करी, इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह कहते हैं कि जब सिविल केस फाइल करना होता है तो तब क्या फाइल होती है, प्लेंट। पढ़ा था ना वहां पे एक लाइन आई थी कि प्लेंट, कंप्लेंट वही है जो प्लेंट है, कौन से केस में, सिविल केस में। तो वो यही कह रहे कि सिविल केस है, क्या फाइल करना पड़ेगा, प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। अब वो कह रहे कि प्लेंट फाइल करने के लिए चार चीजों का होना जरूरी है, अपोजिट पार्टी होनी चाहिए। तो जैसे देखा था ना आपने, वो कांजीलाल मेहता में वो एक लाइन बोलता है, बोले किस पे केस करना है, बोले भगवान पे केस करना है, बोले भगवान कौन से भगवान पे केस करना है या कहाँ केस करना है, बोले वो तो सारी जगह है, बोले ऐसे तो तुम्हारा जो जज है वो तुम्हारा पहली हियरिंग पे केस डिसमिस कर देगा, बोले किसी को तो भेजना पड़ेगा ना, तो बोले भगवान तो मंदिरों में ही रहते हैं, तो उसने मंदिरों के नाम पे केस कर दिया था, ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा ना भगवान तो सारी जगह है, कैसे बताऊँ कहाँ कहाँ पे ये सम्मन भेजना है, कहाँ ये लेटर भेजना है, तो उसने कहा कि फिर तो जज पहली हियरिंग में आपका केस रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कुछ मूवीज से एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिए हैं और कुछ इस चैप्टर में भी बहुत एग्जाम्पल है, हालांकि ये चैप्टर आधे से ज्यादा आप कर चुके हो क्योंकि सेम चीजें दी गई है, ठीक है। तो चार चीजों का होना बहुत जरूरी है, अपोजिंग पार्टी होनी चाहिए जो आके ये कहे कि जो केस है वो गलत है, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, झगड़े का रीजन होना चाहिए और झगड़ा किस चीज के लिए है वो सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, कि झगड़ा तो हो गया कि सामने वाले ने ब्रीच किया तो झगड़ा हो गया, और झगड़ा किस लिए हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में तो उसका परफॉर्मेंस था, तो सब्जेक्ट मैटर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में, वो सामने वाले को परफॉर्म करना था बट सामने वाले ने नहीं किया। लास्ट क्या है, सामने वाले अगर केस कर रहा है तो कोई रिलीफ तो मांग रहा होगा ना, कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए या मुझे कंपनसेशन चाहिए, डैमेज चाहिए, कुछ भी कह सकते हो, तो डिपेंड करेगा, तो इन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। अब कह रहे कि अगर कोर्ट में केस आ गया तो कोर्ट क्या भेजेगा, समन, वारंट तो नहीं भेजेगा यहाँ पे, बोले मिस्टर ए तुमने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, चलो जेल में बैठ दो, पॉसिबल है, बोले कॉन्ट्रैक्ट किस ब्रीच किया है, किस चीज का, कॉन्ट्रैक्ट का, पेनल्टी क्या है, मॉनेटरी कंपनसेशन ही तो आ सकता है, बोले मॉनेटरी कंपनसेशन तो कहीं से रिकवर कर लेना, वो भाग भी जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर रिकवर कर लेना, लेकिन गिरफ्तारी नहीं है इस केस में। तो समन आपको भेजेंगे, तो समन भेजने के तरीके याद है, सबसे पहले तीन पर्सन गए थे, पुलिस ऑफिसर गया था, कोर्ट का एक पर्सन गया था या गवर्नमेंट ऑफिसर गया था, तो यहाँ पर भी वही है, सिर्फ पुलिस को छोड़ दो, यहाँ पुलिस थोड़ा जाएगी बोले संबंध देने, कोई क्राइम आपने सिविल किया है तो पुलिस को देख के तो वैसे ही बंदे को ये हो जाएगा बोले क्या करने आ गई, ठीक है। तो संबंध सर्व कराओ, संबंध में फिर सेकंड चीज वही है, बोले पहले आपने हैंड डिलीवरी करी, हैंड डिलीवरी से नहीं हुआ तो फिर वो मतलब वो नहीं मिला तो क्या आपने क्या ढूंढा, उसका मेल मेंबर ढूंढा, यहाँ पे मेल फीमेल को वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म कर दिया, बोले जो भी मिलेगा उसको दे देंगे बट उसकी फैमिली का मेंबर होना चाहिए। थर्ड आपका क्या है इस केस में, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या थी, बोले दीवार पे चिपका के आ जाओ या उस घर के उस पार्ट पे चिपका के आ जाओ जहां से उसे ढूंढना आसान हो, ठीक है, जो दिखने में आसान जगह आसान हो। और लास्ट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दिया था, उसने संबंध सर्व कर देगा, वो
डिलीवरी और समन बाय द कोर्ट, तो समन कहाँ भेजा जाएगा, जहाँ डिफेंडेंट रहता है उसी के एड्रेस पे भेजा जाएगा, और क्या। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस आपने ऑलरेडी किया है, फिक्स कर दो एक कॉपी उस जगह पे। ये पब्लिक सर्वेंट वाला है, रेलवे ऑफिसर वाला है। और अब देखो डिफेंडेंट को क्या मिल गया, समन मिल गया। डिफेंडेंट उसके बेसिस पे क्या भेजेगा, रिटर्न स्टेटमेंट भेजेगा। डिफेंडेंट उसके बेसिस पे क्या भेजेगा, रिटर्न स्टेटमेंट भेजेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट वो फाइल कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए उसके पास दिन है, उन दिनों में ही उसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है। अब मान लो सेट ऑफ तीन चीजें बताई गई हैं, सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सेट ऑफ क्या, देखो समझो ए ने केस किया बी के ऊपर कि मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, किससे, बी से। बी ने बोला ठीक है सर 10,000 रुपये देने हैं मुझे, एक्सेप्ट कर लिया 10,000 रुपये देने हैं, बट मुझे 5,000 रुपये लेने भी हैं किससे, ए से। ये तब होगा जब आपने उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, काउंटर नहीं करी उसकी बात को, उसकी बात को यस बोला आपने कि सामने वाले ने सर बिल्कुल सही कहा है, मैंने उसके 10,000 रुपये देने हैं और मैं दे नहीं रहा हूं, लेकिन सामने वाले से मैंने भी 5,000 रुपये लेने और सामने वाला भी नहीं दे रहा है, तो आप क्या करो, मैं अलग से बी के ऊपर केस करूं 5,000 रुपये के लिए, उसके बजाय आप क्या करो इसी केस में क्या करा दो, सेट ऑफ करा दो, 5,000 रुपये माइनस करा दो, मैं 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं सेट ऑफ। लेकिन सेट ऑफ तभी होगा जब आपने सामने वाले का क्लेम एक्सेप्ट कर रखा हो, अगर आपने सामने वाले का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया तो वहां पे सेट ऑफ नहीं हो सकता। दूसरा दिया है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या है, ए कह रहा है कि जी मुझे बी से 10,000 रुपये लेने हैं, बी कह रहा है तेरा दिमाग खराब है मैंने तेरे से 10,000 रुपये लेने हैं, तो ये कहते हैं काउंटर कर दिया उसकी बात को, इसे क्या बोलते हैं काउंटर। अब देखो सामने वाला रिटर्न स्टेटमेंट जब फाइल करता है तो रिटर्न स्टेटमेंट में वो यही बोल रहा है ना कि सर नहीं मुझे लेने हैं, तो आप क्या करो, आप उल्टा सम्मन भेज दो किसको, ए को, भाई उसने मेरे पास सम्मन भिजवाया ना, आप उसके पास सम्मन भिजवा दो कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में क्या बोला है, उल्टा क्लेम ठोका है तुम पे, यही ना, तो इसे क्या बोलते हैं काउंटर क्लेम। यहां पे एक्सेप्टेंस नहीं है देख लो, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो जाती तो वो सेट ऑफ में फॉल कर जाता, ठीक है। काउंटर क्लेम क्या, एक पर्सन ने दूसरे पे किया, दूसरा वापस उस पे कर रहा है, कह रहा उसको अब उसको सम्मन भेज दो, मैं अलग से केस फाइल करूं, हाँ मैं अलग से केस फाइल करूं, उसकी बजाय क्या करो इसी केस से काम चला लो, या तो मैं अलग से कोर्ट में जाके कहूं मैं उसने मेरे पे केस फाइल किया, दूसरा केस मैं फाइल कर देता हूं उसके ऊपर 10,000 रुपये का, कोर्ट बोले इससे टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें काउंटर करना है तो तुम इसी के साथ काउंटर कर। अब आपको सेट ऑफ पढ़ाए गए हैं, दो तरह के सेट ऑफ होते हैं, एक लीगल सेट ऑफ और एक इक्विटेबल सेट ऑफ, दो तरह के सेट ऑफ है, एक लीगल है और एक इक्विटेबल है। ये लीगल सेट ऑफ था जहां दोनों तरफ मनी सर्टेन थी, जहां दोनों तरफ क्या था मनी सर्टेन थी। अब इसका एग्जाम्पल लो किस चीज का, इक्विटेबल सेट ऑफ का। मान लो ए एक पर्सन है और ये होटल में एक सर्वेंट है, मतलब होटल में ये वेटर है, और होटल में ये 10,000 रुपये की सैलरी पे वेटर है, और होटल वालों ने 2 महीने से सैलरी नहीं दी, तो इसने क्या किया, होटल के अगेंस्ट में केस जाके फाइल कर दिया, कहां पे, कोर्ट में। कोर्ट, होटल वालों ने बोला कि सर 3 महीने 2 महीने हुए ऐसे लगे, और 2 महीने में पता नहीं कितना सामान तोड़ फोड़ दिया, एक काम ढंग का नहीं करता है, उल्टा इसे हमें पैसे देने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारा ज्यादा नुकसान हो गया, कभी कप टूट रहा है, कभी प्लेट टूट रही है, कभी किसी कस्टमर के ऊपर चाय गिरा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, उल्टा केस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो सामने वाला कोर्ट ने क्या बोला, सॉरी होटल ने क्या बोला, इसने हमारा नुकसान किया लेकिन कितना किया हमें नहीं पता, हम तो कहेंगे सर इतने, इसने तो हमारी रेपुटेशन खराब कर दी, इतनी खराब कर दी, क्या बताएं आपको, बोले बताना तो पड़ेगा ना क्या खराब किया है, तो क्या बिना बताए कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि कितना कंपनसेशन, कितना कुछ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, इसलिए इक्विटेबल सेट ऑफ होते ही नहीं है, क्योंकि जहां मनी सर्टेन नहीं है उनको डिसाइड कैसे किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब मान लो भाई ये कह रहे हो कि आपने सामने वाले को बोला कि उसने कप तोड़ा, अब बोले पता नहीं सर उस कप में कितने लोगों ने चाय ऑलरेडी पी रखी थी, तो डेप्रिसिएशन लगाओ तो कप की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये भी है ना। अब देखो आप होटल में जा रहे हो, ये तो थोड़ा है कि होटल वाला हमें आपके लिए हर बार नया कप लेके आएगा, बोले पिछली बार सर इसी में पी के गए थे तो इस बार क्या लो नया कप लेकर आओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। या बोले अभी अभी एक कस्टमर इसमें पी के गया है, धो के नहीं लेके आना है, दूसरा कप लेके आना है, तो वही है ना, प्लेट भी सेम रहेगी, कप भी सेम रहेंगे, धो के वापस आपके लिए आ जाएंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस कप को कितनी बार यूज कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है, नहीं पॉसिबल है, कितना उसपे हमने वो क्या क्या कहते हैं उसे धोने को,
जो जो भी है मतलब क्लीन करने का जितना हमारा खर्चा आज तक हुआ है वो भी रिकवर करें या कैसे क्या करें, भले धोया धोया करते हैं हम उसको डिटर्जेंट से या इससे, जो भी है मतलब। अब हमने तो धोए नहीं है ना तो पता ही नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो जो भी आपका धोने का साबुन आता है, जो भी आता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई फटाफट। टेम्परेरी इंजेक्शन है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आप ऑलरेडी पढ़ गए, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आपने एनसीएलटी वाले चैप्टर में पढ़े कि जहां इंटीरियम एप्लीकेशन लगाई जा रही है, इंटीरियम रिलीफ चाहिए ना, किस तरह की स्टे की, टाइम पीरियड एक्सटेंशन की, कुछ चीजों के लिए था। दूसरा है टेम्परेरी इंजेक्शन। इंजेक्शन माने रोक लगाना, टेम्परेरी बेसिस पे रोक लगाना। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा एक बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और एक पर्सन आता है कोर्ट का ऑर्डर लेके, बोले रुक जाओ, स्टे लगा दिया कोर्ट ने, ठीक है। तो इसे क्या बोला गया, इंजेक्शन लगाना, स्टे लगाना, कि आप जो एक्शन ले रहे हो एक्शन आप नहीं लोगे जब तक कोर्ट नहीं बोलता। जैसे क्या बोला, टेम्परेरी इंजेक्शन, टेम्परेरी बेसिस पे रोक। इंजेक्शन होता है ज्यादातर प्रिवेंट करने के लिए। देखो इंजेक्शन दो चीजों के लिए होता है, एक कुछ रोकने के लिए और एक होता है प्रिवेंट करने के लिए। जहां पे आप विटनेस को धमका रहे हो या कुछ कर रहे हो और सामने वाले को यह लग रहा है, या प्रॉपर्टी को आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो जिस प्रॉपर्टी को लेके केस है, तो वो पर्सन जिसने केस फाइल किया था उसने कोर्ट को जाके बोला कि सर ये इतने में तो प्रॉपर्टी को खराब कर देगा, डैमेज कर देगा, तो आप क्या करो, आप प्रोटेक्शन दिलाओ उस प्रॉपर्टी को, क्या इशू करके, इंजेक्शन। मतलब इसका आना जाना रोक दो सर उस प्रॉपर्टी में, इसको कह दो उस प्रॉपर्टी के आसपास भी नहीं दिखेगा, किसी तरह से उसको डैमेज करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वहां पे क्या ग्रांट किया है, टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया है। डिटेंशन प्रिजर्वेशन की कुछ टॉपिक हैं जो हम समझेंगे साथ के साथ। सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंपनी पे केस हो तो कैसे केस किया जाएगा, किसके नाम पे भेजा जाता है सम्मन, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मैनेजर, लिविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन अगर इंडिया में अवेलेबल है। बाय और अगेंस्ट फर्म, अब फर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है कहां पे, लोगों की नजरों में, तो सम्मन किसको जाएगा, सीधा सीधा पार्टनर को जाएगा, पार्टनर के नाम पे जाएगा। फिर कह रहे कि अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, अब आपको सम्मन मिल गया, तो सम्मन मिल गया तो आपको क्या होना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा। आपने नॉन अपीयरेंस का पढ़ा था ना कि अगर सम्मन भेजा था और प्लेंटिफ नहीं आया, मतलब जिसने केस किया था वही नहीं आया, तो क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे एप्लीकेशन को फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसिंग ए एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट, पढ़ा था ना एनसीएलटी वाले में। और अगर डिफेंडेंट ना आए तो डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, वही चीजें थी ना, सेम यहाँ पे दी गई है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, प्लेंटिफ ना आए, डिफेंडेंट ना आए, क्या चीज किया जाएगा। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया जा सकता है, वहां था ना सर्च वॉरेंट कुछ ढूंढने के लिए, या सर्च समन टू प्रोड्यूस कुछ चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, सेम चीजें यहाँ पर है, बट यहाँ वॉरेंट नहीं है। यहाँ बोला जाएगा कि सर आपके पास ये चीज है, इंटेरोगेशन पूछताछ से भी पूछ बुलवाया जा सकता है। तो आपने ज्यादातर क्या देखी है, पूछताछ देखे ना, वो एडवोकेट खड़ा होता है, एडवोकेट सवाल पूछने शुरू करता है, बोले नहीं नहीं आपने अभी ये कहा था, अभी अब वो कहा था, तो क्या करता है, कंफ्यूज करता है, बोले आप अपनी बात से मुकर जाओ ये और ये चीजें कर दो। तो ये क्या थी, इंटेरोगेशन थी। तो इंटेरोगेशन से आपने कुछ पूछ लिया और सामने वाले ने वो चीजें हड़बड़ाहट में अगर एक्सेप्ट कर ली तो उसको क्या यूज कर लेगा, सामने वाला एडवोकेट यूज कर सकता है ना। तो ये डिस्कवरी है बाय इंटेरोगेशन, पूछताछ से आपने कुछ गवाह इकट्ठे कर लिए। एडमिशन बाय द पार्टीज, अगर एक पार्टी ने केस किया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, केस खत्म, सामने वाले को फाइन पे करना पड़ेगा। हियरिंग ऑफ द सूट, हियरिंग में क्या होगा, दोनों के विटनेस आएंगे, सवाल पूछे जाएंगे और सारी चीजें एग्जामिन किया जाएगा उन विटनेस को, जो विटनेस आप लेकर आए हो। और विटनेस कैसे आते हैं, पहले एफिडेविट भरवाना पड़ता है उनसे। तब केस की सुनवाई के बाद क्या आनी है, जजमेंट आनी है। अब जजमेंट या तो डिक्री बनेगी या ऑर्डर बनेगी, डिक्री होगी तो क्या डिसाइड हुआ होगा, राइट लाइबिलिटीज डिसाइड हुई होंगी, और अगर ऑर्डर आया तो इसका मतलब क्या दिया गया हो, फाइन पेनल्टीज दी गई होंगी, बस सिंपल सी चीज है। सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन, ये दोबारा से आ गया, अब उसमें ना बाय था, सॉरी अगेंस्ट था, क्योंकि संबंध सर्व करा रहे थे। यहाँ कह रहे कि अगर कॉरपोरेशन को केस करना हो तो किसके नाम पर होगा, कॉरपोरेशन को अगर केस कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में हो रहा है तो फिर किसके नाम पर होगा, वो चीजें दी गई है। फिर दिया गया है अगेंस्ट माइनर, अभी के पेपर में ये 4 नंबर का कन्फर्म टॉपिक ये अभी आया है, और उससे पिछले वाले पेपर में भी ये टॉपिक देखा गया है। सूट जब माइनर के बिहाफ पे फाइल होते हैं या माइनर के अगेंस्ट में, देखो आपने हर जगह एक चीज पढ़ी है कि अगर कोई पर्सन माइनर है तो कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो केस फाइल भी नहीं कर सकता, उसकी जगह कौन फाइल करेगा, गार्जियन। अब लॉ में वर्ड यूज किया गया नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट टू द माइनर नेक्स्ट फ्रेंड नाम लिखा गया है कि नेक्स्ट फ्रेंड के नाम पे क्या किया जा सकता है, केस।
अब यहाँ कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे जब वो मेजर हो जाएगा, तो मेजर हो जाएगा उसको समझ आ गई, उसको समझ आ गई तो क्या कर सकता है, केस को वापस भी ले सकता है और अपने नाम पे ट्रांसफर भी करा सकता है कि भाई अभी तक नेक्स्ट फ्रेंड के नाम पे चल रहा था, मेरे नाम पे केस कर दो, तो ये सब चीजें भी पॉसिबल है। अपील है, फिर अपील डिग्री के अगेंस्ट में अलग है और ऑर्डर के अगेंस्ट में अलग है। आपने एक वर्ड पीछे एक लाइन पहले भी पढ़ी थी कि ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं, ऑर्डर अपीलेबल नेचर के नहीं होते हैं जब तक लिखा ना जाए यस इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाई जा सकती है। तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, जब आप जब पहली बार कोर्ट ने डिग्री दी तो उसे क्या बोला है, ओरिजिनल डिग्री, इसको चैलेंज कर सकते हो आप अपर कोर्ट में। क्वेश्चन ऑफ लॉ आएगा तो किसके पास चले जाएंगे, सेकंड अपील लगा देंगे जब क्वेश्चन ऑफ लॉ पढ़ा था ना, एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में पहली अपील कहां लगी थी, एनसीएलएटी, और क्वेश्चन ऑफ लॉ था तो उसके बाद सेकंड अपील कहां लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह यहां भी दो अपील पॉसिबल है, लेकिन सेकंड अपील हमेशा किसके बेसिस पर होगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे। तो कुछ ऐसे ऑर्डर भी आपको पढ़ाए गए हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपील लगा सकते हो, कुछ ऐसे ऑर्डर भी पढ़ाए गए हैं। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास तो रेयर मैटर में जहां आपके पास अपील नहीं बची है, जहां मैटर ऐसा है जो पहली बार सीधा हाई कोर्ट ने सुना था, तो इस तरह की अगर है तो वहां पे अपील होनी चाहिए ना कहीं ना कहीं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास में भी कुछ पावर्स है। फिर रेफरेंस रिव्यू और रिविजन, कल के चैप्टर में हमने रेफरेंस पढ़ा था ना कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है लोअर कोर्ट को, जिसे लग रहा है कि ये जो लॉ है ये पुराना हो चुका है, इसे हमें क्या करना चाहिए, इन ऑपरेटिव डिक्लेयर कर देना चाहिए, बट अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या कर सकते थे, हाई कोर्ट के पास ये भेज सकते थे, फिर हाई कोर्ट उस पॉइंट को डिसाइड करके आपको वापस भेजता था और आप डिसीजन दे देते थे मैटर पे। रिव्यू आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेम कोर्ट के पास जब दोबारा जाते हैं तो उसे रिव्यू बोला जाता है, और रिविजन जब एक्सेस ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज कर लिए कोर्ट ने तो उसके अगेंस्ट में हम कहां जाएंगे, रिवीजन लेकर जाएंगे। लेकिन आपने पढ़ा था ना कि अगर अपील पेंडिंग है तो पहले अपील लगानी है, पहले रिवीजन के लिए नहीं जाना है, रिवीजन तभी पॉसिबल है जब वहां पे अपील पेंडिंग ना हो। लास्ट आपका वही दे रखा है समरी प्रोसीजर, ऑलरेडी पढ़ा है आपने कि समरी बेसिस पे डिस्पोजल करना है केसेस का। समरी जजमेंट ये नया एड हुआ था अभी पिछले साल, इससे पहले नहीं था, पिछले साल बुक में आया, इससे पहले नहीं था। वही इनहेरियंट पावर ऑफ द कोर्ट, इनहेरियंट पावर तो ऑलरेडी आपने पढ़ी थी और इनहेरियंट पावर पहले भी थी। अब पार्ट ई लास्ट पार्ट है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशन आप अगर अपनी बुक देखोगे तो बुक में सबसे पहले दी गई है, मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि इनका लेना देना नहीं है कहीं भी चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या डिग्री का मतलब क्या है और ऑर्डर का मतलब क्या है, वो चीजें समझनी है। जजमेंट डेटर कल ही पढ़ा था ना, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आता है वो जजमेंट डेटर है, और जजमेंट क्रेडिटर कौन था, जिसके फेवर में, तो उसको यहाँ डिग्री होल्डर भी बोला गया कि डिग्री जो होल्ड करके बैठा है जिससे फेवर में डिग्री आई है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।